हम तो पहले ही बोले थे कि हनुमान जी बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस की जीत हुई है और ये सिर्फ मोदी जी या बीजेपी की हार नहीं, ये पूंजीवादी लोग गोदी मीडिया की हार है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये बयान है, जहां उन्होंने कहा बीजेपी को बड़ी मात देते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है कांग्रेस ने, तो वहीं बीजेपी की हार के बाद विपक्ष लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले से ही ये जानते थे कि हनुमान जी बीजेपी से नाराज है और साथ ही ये भी कहा कि ये मोदी की नहीं पूंजीवादी और गोदी मीडिया की हार है और साथ ही ये भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से देश भर में ये संदेश गया है कि पूरी मजबूती के साथ हम सब एकजुट होकर लड़े, जिसकी कवायद सीएम नीतीश कुमार, लालू जी और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम लोगों की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं, बस इतना चाहते हैं कि देश की जनता के लिए काम हो, गरीबी के लिए काम हो, किसान सैनिकों बेरोजगारी हटाने और महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि हम तो ये पहले से जानते थे कि हनुमान जी बीजेपी से नाराज है और ये केवल मोदी जी की ही नहीं बल्कि ये पूंजीवादी लोग और गोदी मीडिया की हार है। आप एक बात समझिए, आप तो पहले ही बोल रहे ना कि हनुमान जी नाराज है भाजपा पे, इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं, पूंजीवाद की भी हार है। उनकी जितने सहयोगी हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो या जो भी गोदी मीडिया हो, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार और कहीं ना कहीं से देश भर में एक संदेश यह है कि पूरी मजबूती के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े, जिसकी कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी और हम सब लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को गोलबंद करके हम लोग चुनाव लड़े और जीते। हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बताया, ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए, किसान मजदूर सैनिकों के लिए काम होना चाहिए, जवानों के लिए काम होना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उनके लिए काम होना चाहिए। उस काम में जो है हम लोग सब लोग लगे हैं कि सब लोग गोलबंद हो जाए, देश का लोकतंत्र और संविधान को हम लोग बचाए, इस काम में लगे हुए हैं हम लोग।